अस्सलाम वालेकुम याली मदद एंड गुड मॉर्निंग सोनू व्लॉग इंटरटेनमेंट गाइस, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अभी हम लोग सांगड़ में ही हैं और सुबह हो गई है, नाश्ता कर रहे हैं, फिर शूट पे निकलेंगे। तो आप ही वाले भी मेरे साथ हैं, लाइबा भी इधर ही है। हम लोग आप ही ये देखें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बड़ी बुरी हालत है। ये अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पर ठंड भी है। वैसे जैसे गर्मी थी कल, हम आए गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी यहाँ ठंड है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मिलते हैं और साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा मेकअप मैन आया नहीं, हम लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं मेकअप करने के पीछे, खुद ही कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में हमने खुद मेकअप कैसा करा। हाँ। अभी हम लोग जरा तैयार हो गया, जाएंगे ना फिर आपको दिखाएंगे, फिर आप हमें कमेंट्स में बताना कि आपको हमारा मेकअप कैसा लगा। गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, हम लोगों का मेकअप भी हो चुका है, हम लोग लोकेशन पर पहुँच गए हैं जहाँ पर शूटिंग हो रही है और मेकअप मैंने खुद ने किया है और ये लोकेशन है। तो फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। फाइनली गाइस हम जा रहे हैं शूट पे, ये गाड़ी आ चुकी है, तैयब अभी भी बैठ गई है, तैयब आप ही बैठी हुई हैं, लाइबा। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं, आगे हो जाओ, मुझे भी जगह दे दो। चलो जी फिर शूट पे मिलते हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं, बाकी हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे, फिर वहाँ पे शूटिंग करेंगे, बाकी आपको बताएंगे लोकेशन पे पहुँच के थे वो हम शूट कैसे करते हैं। साथ रहिएगा गाइस, पहुँच गए लोकेशन पे, देखिए लोकेशन कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी लोकेशन है। हमारा सेट अंदर है, हमारे सेट में बाहर लगी हुई है। अभी हम सरसों, सरसों मतलब साग, सरसों का तेल। चलो सरसों का साग, और सरसों का क्या साग और सरसों का तेल नहीं बनता? अच्छा, हाँ सर, हाँ, हम लोग उर्दू सिंधी मिक्स करके बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे पागल हैं क्या, लेकिन क्या करें हम लोग। यहाँ पे कुत्ता है, यहीं रुक जाते हैं वरना हमें काट लेगा। इतना जहरीला कुत्ता है जो कि एक दफा काट ले तो फिर हम यहाँ पे आगे डर के आते हैं। और आज हम कितने बहादुर होके चल रहे हैं, लोग खेत में पता ही नहीं चल रहा। कुत्तों ना खाए, नंडरा कुत्ते का बच्चा है, बचाएंगे। आप भी दुआ करना हम कुत्ते से बच जाएं। हाँ ये ना व्लॉग बनाने के चक्कर में कुत्ते को टांग दे बैठे। अभी एक बात है जो कि आज हमें रिवील करनी है, याद है ना? हाँ वो करते हैं अंदर सेट पे, इनको आज सच बताएंगे, सच बताएंगे। आज हम लोग आपसे एक सच जो है ना हकीकत शेयर करने वाले, कि मेरा और आपकी क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता अभी बताते हैं। आज हम आपको रिवील करेंगे कि हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता, क्या रिश्ता है। कुत्तों को नहीं, कुत्तों को नहीं, नहीं आजा आजा, ये लोकेशन है गाइस, कुत्ते से डर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक कुत्ता होता है बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये असीमत खसी की लोकेशन है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, खुश है वो? ये हमारे चाचा जी हैं, जहाँ ये इनका घर है, हम लोग यहाँ पे जो है ना मतलब जो कोयल और मलूक हाकिम वो जो कमदार का सेट बना हुआ ना हमारा घर, मतलब वो ये है, ये लोकेशन है, ये यहाँ पर बनाते हैं हम लोग सीन वगैरह। हाँ अब आज यहाँ बैठ के बता देते हैं। तो गाइस हम आपको ये बताएं, देखें हम जो भी टिकटॉक रखते हैं और जब से हमारा ये ड्रामा चल रहा है ना सीमत खसी, तो काफ़ी लोग हम लोगों से ना सवाल करते हैं मेरे टिकटॉक पे, काफ़ी लोग लिखते हैं और लाइबा के टिकटॉक पे कि हम दोनों सगी सिस्टर हैं। सब कहते हैं
कि ये दोनों सगी बहनें हैं, जो भी मतलब कभी भी आपकी या मेरी टिकटॉक देखता है सो वो कहता है आप दोनों सिस्टर्स हो या आप दोनों कजन्स हो या आप दोनों में कोई रिश्ता है। अब मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ कि ये मेरी कुछ नहीं है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, और बहनों की तरह है, क्योंकि ये छोटी है मैं बड़ी हूँ तो ये मेरी इज्जत करती है और मैं इसको अपनी छोटी बहनों की तरह ही रखती हूँ, अपने बच्चों की तरह, ठीक है, ये रिश्ता है। और दूसरी बात ये कि जो भी बोल रहे हैं ना कि ये सगी बहन है, यार मीडिया में हमारा मतलब ना इसका कोई और है ना कोई मेरा, ठीक है, हम लोग सिंगल घूम रहे हैं मीडिया में, और ये इनके खानदान से ये सिंगल है मीडिया में और मेरे खानदान से मैं बिगड़ी हुई। ये लाइबा बलोच है, ठीक है, और मैं हूँ सोनू भट्टी, ठीक है। अब आप यहीं से अंदाजा लगाएं तो बहने नहीं है, अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया, बाकी तो प्लीज यार शक्ल हमारी मिलती है, लेकिन चलो भले आप लिखा करें। कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इसने मुझे देख के रंग पकड़ा है। हाँ वैसे आप मुझसे बड़ी हो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपने मुझे देख के रंग पकड़ा है। सो बात ये है हम दोनों में इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि सब समझते हैं कि वाकई मेरी सिस्टर्स हैं। देखिए आप, जैसे आप ही ने मेरा दुपट्टा पहना हुआ। बेइज्जती कर रही है? बेइज्जती नहीं कर रही, बता रही हूँ हम मोहब्बत बता रही हूँ अभी। अब ये देखो मेरा दुपट्टा आप ही ने पहना हुआ है, ये हम में इतनी मोहब्बत है। और जो शेड आप ही के सूट के साथ मैच हो रहा है वो मैंने पहना हुआ। हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते और ऐसे ही रहते हैं हम लोग, और सब लोग समझते हैं कि ये आपस में सिस्टर्स हैं। और व्लॉग में मैंने ये भी दिखाया था कि सुबह सुबह लाइबा मेरे घर पे आई थी, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि देखा सिस्टर है ना, नहीं ये आई थी मेरे घर में, मैंने इसको बुलाया था। क्योंकि हम दोनों का सेट एक है तो इस वजह से हम लोग साथ ही आते हैं, और वैसे हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं, आना जाना भी है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से फिर सब यही समझते हैं कि यार अब शूटिंग रेडी हो, यही बात होती है। ओके गाइज, सोनू आपी को इश्क लगाया, सोनू आपी ने बड़ा दर्द भरा गाना गाया है, सो भी हम सुनते हैं, सुनाओ। कसम तो रोज खड़ाए मत्ता के साथ दिल लाए ही दिल डिबिया एक के एक सा प्यार कबो। मिल्की मकोड़ी चाय पी, हाँ कूलर पिया थी। नंदरा गोप कूलर है असर चाय था पियो, हाँ असर टी टाइम आज असान पिकअप जल्दी थी ना यार, खुश नसीब थी वे। ये नचो बड़ी जे छेड़ी व्यारे चली नहीं पो। पिकअप हो गया, जा रहे हैं लोकेशन पे, सब खड़े गाड़ी के इंतजार में। हाँ अब यहाँ पर अपना गोदड़ी बिस्तर सब रख के बैठे हुए। सो गाइस आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, हम लोग वापसी आ गए हैं लोकेशन पे जहाँ हम लोग रहते हैं, क्योंकि अभी तक हम सांगड़ में ही हैं और शूट टाइम ख़त्म हो गया। तो लाइबा क्या कर रही है, ये इसको देखो आते से ही मोबाइल पे लग गई है, काम देखो इसके, चेक करो थोड़ा इसको। थोड़ा बहुत यहाँ पे नेट चल रहा है, मैंने सोचा थोड़ा मोबाइल चला लूँ, चार्ज पे भी लगा मोबाइल। इसको आते से ना जब पहले कपड़े तो चेंज करके चल जा रही हूँ ना, न इसने कपड़े चेंज करे ना कुछ, आते से मोबाइल पे लग गई। मेकअप ही नहीं होता थोड़ा, अभी नेट चल रहा है ना अभी, पता है यहाँ पे सिर्फ आपका नेट चलता है, हमारा तो चलता ही नहीं है। टिकटॉक बनाने में लगी होती है, हमें चिढ़ाती रहती है अभी। तो मेरा नेट चलता है देखो ना, ये दुआएं दुआएं उठाया करो दुआएं। तो गाइस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइब करें और सपोर्ट किया करें प्लीज़। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो भी बताइएगा, अगर कोई कमी होती तो वो भी बताइएगा, क्योंकि हमारी गलतियां बताएंगे तो फिर हम
सही व्लॉग बनाए, कुछ अभी बनाने नहीं आते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? लाइक भी करना, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब कर दे।